करीब दो साल तक अरविंद केजरीवाल की नाक में दम करने वाले कपिल मिश्रा आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और सीनियर लीडर विजय गोयल की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अरविंद केजरीवाल से खार खाए बैठे कपिल मिश्रा के साथ उनकी कोर टीम ने बीजेपी ज्वाइन की। माना जा रहा है कि कपिल मिश्रा अब खुलकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं, बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुए और उनका मुख्य लक्ष्य बीजेपी को जिताना है। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा 2017 में अरविंद केजरीवाल पर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए थे। तब से लेकर अब तक वे केजरीवाल पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि कपिल मिश्रा बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल के कई और दूसरे नेता और विधायक भी बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि चुनाव के करीब आते ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।